यूं तो आप सब जानते हैं कि मुतहिदा अपोजिशन के साथ हुकुमरानों का रवैया गुज़श्ता 2 सालों से दुश्मनी का है और जम्हूरी कल्चर में जिसको सो कॉल्ड जम्हूरियत का नाम देते हैं इसमें हुकुमरानों की इस किस्म की दुश्मनी की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमारे हलकों में अपोजिशन के अराकी ने असम्बली को कुचलने का कोई ज़रिया ऐसा नहीं है जिसको इन हुक्मरानों ने इस्तेमाल न किया हो। इस इरा को हम जम्हूरी तो क्या बदतरीन डिक्टेटरशिप से भी बदतर है। जम्हूरियत में कई ऐसे हालात होते हैं जिसमें अपोजिशन को साथ लेकर हुकूमत का इंतज़ाम और इंसराम किया जाता है। डिक्टेटरशिप में मनमानी होती है लेकिन दूसरों को कुचला नहीं जाता। ये तो उस बदतरीन डिक्टेटरशिप से बदतर है जिसमें अपने मुखालिफ को किसी भी तरीके से कुचलो, कोई भी ज़रिया इस्तेमाल करो। आप जानते हैं जाबिद अली रेकी हमारे मुतहिदा अपोजिशन के एक रुकन हैं। कल नाग में असिस्टेंट नायब तहसीलदार नाग ने अपने लेवीज के सिपाहियों के साथ मिलकर उन पे कातिलाना हमला किया, फायरिंग की। ये तो खुदा की मेहरबानी थी कि आजी जाबिद अली रेकी बच गए, वरना इन हुक्मरानों ने तो ये तय किया था कि उनको जान से मारें। अब इससे ज़्यादा रियासती मिशनरी की दहशतगर्दी क्या होगी। 70 साल से वो कि हमारे यहाँ जम्हूरियत नहीं रही है बल्कि वो टूटे फूटे रिवायात के मुताबिक रुकन असेंबली को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हमारे लॉज में हासिल हैं लेकिन अब तो वो अकदार भी मिट गए हैं और एक नायब तहसीलदार सूबाई असम्बली के रुकन पे कातिलाना हमला करता है जिसकी न तो कोई गुंजाइश है और न ही ये हथगंडे काबिल कबूल हैं। हम वाज़े तौर पे आप हजरात के तवस्सुत से ये पैगाम देते हैं कि मुतहिदा अपोजिशन अपने आप को मुतहिद रख कर इन हुक्मरानों को वो सबक सिखा सकती है जिसे वो तारीख में याद रखें। हमारा मुतालिबा है कि जिन लोगों ने हाजी जाबित अली पे कातिलाना हमला किया उनके खिलाफ
FIR दर्ज करके उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए ताकि आवाम के नुमाइंदों की जो कानून ने, जो हमारे आईन ने, जो हमारी कौम ने, जो हमारे आवाम ने इज्जत दी है, वो इज्जत उनकी महफूज रहे। ये हमारा मुतालबा है। हमारा ये भी मुतालबा है कि आजिज़ आबिद अली पे कातलाना हमले के बारे में जुडिशल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे जानिबदार है और उसकी तहकीकात से इंसाफ की तवक्को नहीं है। इससे बढ़कर जो मैं आप हजरात की तवज्जो दिलाता हूँ, जो हमारी पूरी कौम का मसला है कि जो लोग पेट्रोल और डीजल के कारोबार से वाबिस्ता हैं, उनके साथ बदतरीन जुल्म हो रहा है। आजीज़ आबिद अली ने भी तो यही कहा था कि जी एक एक मील, दो दो मील पे तुमने नाके बनाए हुए हैं और इन लोगों से पैसे लेते हो। किस चीज़ के पैसे? मुत्तहिदा अपोजिशन का मुतालबा है कि कौम की ज़मीरों को मत खरीदो, कौम को करप्शन में इन्वॉल्व मत करो। हम असम्बली में भी यही बोलते हैं कि खुदा के लिए यहाँ एक साले माशरे के लिए बुनियादी चीज़ करप्शन का खात्मा है और यहाँ करप्शन सरेआम की जा रही है। हमने इनको ये मशवरा भी दिया था कि जहाँ से डीजल और पेट्रोल इंटर होता है वहाँ आपका नाका हो, आप बेशक वहाँ पे किसी भी नाम से एक टैक्स लगा दें जिसकी बाकायदा रसीद हो, जो कंप्यूटराइज्ड हो, जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा हो और उसके बाद कदम कदम पे नाके ख़त्म करें। सिर्फ पेट्रोल और डीजल के लिए ये नाके लगाए जाते हैं, अदरवाइज जराइम के खात्मे के लिए या किसी दहशतगर्द को रोकने के लिए उसमें तो हम भी ये कहते हैं कि उसको रोका जाए, लेकिन हर जगह रेट लगाए हुए हैं। इस नाके पे 500, उस नाके पे 800, उस नाके पे 300। ये कहाँ का जुल्म है? ये ओपन और आम करप्शन है जिसमें तमाम ला इन्फोर्सिंग एजेंसीज को शामिल किया जा रहा है, उनकी ज़मीरों को गंदा किया जा रहा है, जिसमें तमाम आवाम को इस नाजायज अमल में धकेला जा रहा है, जिससे लोगों के ज़मीरों को मुर्दा किया जा रहा है। तो इसलिए हमारा मुतालबा है कि किसी भी नाके पे किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का, चाहे वो कोई भी हो, कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पेट्रोल और डीजल कैरी करने वाली गाड़ियों से भुत्ता ले। ये तो भुत्ताखोरी से भी बदतर है। इससे बढ़कर जोर ज़बरदस्ती और गुंडागर्दी कैसे हो सकती है कि रात चलते एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीसियों ऐसे नाके हैं जहाँ पैसे लिए जाते हैं और फिर इस
पेट्रोल और डीजल कैरी करने वालों को छोड़ा जाता है। ये अमल नाजायज है, ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है, ये गैर शरई है, ये बलूचिस्तान के रिवायात के खिलाफ है, ये कौम को करप्शन में मुब्तला करने का एक इंतहाई भयानक मंसूबा है। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि आइंदा के लिए किसी भी नाके पे किसी भी पेट्रोल और डीजल कैरी करने वाली गाड़ी से भुत्ता ना लिया जाए। कि बलूचिस्तान असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे कुलीग जाबिद अली रेखी पे कल जिस तरह नाग में एक चेक पोस्ट पे लेवीज के एक तहसीलदार के अहमा पर फायरिंग की गई और जिसको अल्लाह ताला ने बाल बाल बचाया, और उसके बाद फिर एहतजाजन वहाँ पे हमारे रुकन असम्बली बैठे रहे और रात देर गए तक जो है वहाँ पे वो बैठा रहा। जिस तरह मलिक साहब ने आप लोगों से इजहार किया कि बलूचिस्तान में वैसे ही लॉ एंड आर्डर का जिस तरह बड़ी तेज़ी से लॉ एंड आर्डर ख़त्म किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा कोना महफूज नहीं है जिसमें बदतखोरी, रिश्वत सतानी, जिसमें अगवा दहशतगर्दी के वाकयात ना हो। लेकिन सरकारी मशीनरी के होते हुए और सरकारी लोग अगर इस तरह दिन दाड़े और फिर मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली पे फायरिंग करती है, मेरे ख़्याल में फिर ये लाकानूनियत नहीं बल्कि ये मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा और कोई भी अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान के जो बॉर्डर के इलाके हैं, जिस तरह चमन है, यहाँ से पंजकूर है, तुरबत है, मंद है, माशकेल है, इन तमाम इलाकों से जो है ईरान से तेल है, मुख्तलिफ ज़रिए इजनास है और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान आ जाते हैं, और वहाँ के बॉर्डर के लोग और उनका रोज़गार और कारोबार यही चीज़ है। लेकिन इसको रोकने का तरीका इस तरह नहीं है जिस तरह मलिक साहब ने इजहार फरमाया। उन्होंने कहा कि जहाँ से ये चीज़ें इंटर हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें तेल अगर कहीं से आ जाता है तो उस पर एक सरकारी टैक्स लगाकर उसकी बाकायदा एक कंप्यूटराइज्ड रसीद काट कर जो है उनको जाने दिया जाए, न कि ये हर कदम पे चेक पोस्ट करा करके हमारे मुख्तलिफ एजेंसियों के लोगों को बिठा कर फिर हर चेक पोस्ट की एक कीमत लगा कर जो है वसूल किया जाए। एक तरफ तो मुख्तलिफ एजेंसियों को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना कि वो बदतखोरी रिश्वत लेकर जो है वो इस चीज़ का इजहार करें, और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चेक पोस्ट बिकते हैं, बहुत भारी कीमतों में बिकते हैं। जिस इलाके से जितना ज़्यादा माल आ जाता है वो चेक पोस्ट उतनी ही बड़ी कीमत पे बिकते हैं, और यहाँ से करोड़ों रुपए यही चेक पोस्टों पे बैठे हुए हमारी सरकारी मुख्तलिफ एजेंसीज जो है, जो सरकारी एहलकार है जो बैठे रहते हैं, न सिर्फ इसको ये नहीं कि उनको रोक लेते हैं बल्कि उनसे कुछ लेकर उनको आगे जाने दिया जाता है। तो अगर इस किस्म के रोज़गार के लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए कि वहाँ पे बसने वाले लोग भी बेरोज़गार ना हो, और साथ ही जो है हमारे हुकूमत को भी कुछ टैक्सेस इस मद में आ जाए, तो दोनों तरफ से जो है इस सूबे का भी मफाद में है, इस मुल्क के भी मफाद में है, और इस सूबे में बसने वाले उन लोगों के भी मफाद में है कि उनकी रोज़गार चलता रहेगा। मैं जिस तरह कल हाजी जाबिद अली रेखी पे जिस तरह बेमाना तौर पर जो फायरिंग की गई और उनको उन पर जो ये एक दहशतगर्दी है, इसको हम रियासती दहशतगर्दी कहते हैं, जो इस मौजूदा हुकूमत के एमा पे जो है ये किया गया, और इसके ज़िम्मेदार वहाँ की डिप्टी कमिश्नर, वहाँ की कमिश्नर और इस सूबे में बैठे हुए वो बड़े इख्तियारदार लोग हैं जो अल्लाह हमारे लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए हमारी मुतालबा है कि जाबिद अली रेखी पे जिन्होंने फायरिंग किया उनको गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाए और उनको कानून की कटहरे में लाया जाए। कि कल जो वाक़िया हुआ
इस हाउस के जहां हम और आप बैठे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हमारे सूबे का सबसे मोतबर और अगस्त हाउस है, इसलिए कि असम्बली आवाम की नुमाइंदा असम्बली होती है। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज इस असम्बली के एक मुअज्ज़ज़ मेंबर जो अक्सर अपने आवाम के लिए, अपने बिलखसूस वाशक के आवाम के लिए वो हमेशा आवाज़ बुलंद करते, आज कल जो नाक में एक बहुत कम दर्जे के ऑफिसर ने, लेवीज के एक एहलकार ने उन्हें रोककर इतनी बड़ी जुर्रत की कि उन पे हमला किया, फायरिंग की गई, खुदा ने अजीज आबिद अली रेगी के जान को बचाया। मैं आज के चूंकि एक वो मुअज्ज़ज़ मेंबर है इस हाउस के, वो मुअज्ज़ज़ मेंबर है, मैं गुजारिश करूंगा स्पीकर साहब से कि वो इसका फौरी तौर पे नोटिस ले और असम्बली के इजलास को अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो असम्बली के इजलास को जल्द अज जल्द बुलाए, ताकि एक मुअज्ज़ज़ मेंबर के साथ पेश आने वाले वाकये की हम असम्बली के फ्लोर पर हम रेजोल्यूशन पेश कर सके और हकूमत से हम मुतालबा कर सके कि जो जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिस जिस लोगों ने साजिश की और एक मुंतखब मेंबर असम्बली को रोका और फायरिंग का हुक्म दिया, वहाँ पे फायरिंग हुई ताकि ये तमाम साजिश को तश्त आजमाम किया जा सके। दोस्तों, जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया, क्या यहाँ पर कोई कारखाना है? क्या वाशक के आवाम के पास वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं? क्या चमन में कोई फैक्ट्री है? आपने चमन के ड्यूरिन लैंड के तिजारती रास्ते को बंद किया, आज भी वो बंद पड़ा हुआ है। आपने लाशें गिराई और आवाम के खिलाफ आपने FIR चार्ज किया, कितना अफसोसनाक कमर है। मरते भी लोग हैं और उनके अजीज व अकारिब के खिलाफ आप FIR चार्ज करते हो, ये इतना बड़ा जुल्म अंग्रेज के दौरान नहीं हुआ। और मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाने वाला, अपने आप को सूबे का वजीर आला कहलाने वाला ने अभी तक इस वाकये की कोई मजम्मत नहीं की है। आप अपने आप को मुंतखब वजीर आला कहलाते हो और आपने अपने आप के हाउस के एक मुअज्ज़ज़ मेंबर पर हमला हुआ है, उसके खिलाफ दहशतगर्दी हुई है और आपने अभी तक उसकी मजम्मत भी नहीं की है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वजीर आला को तो फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए था, उस ऑफिसर को सस्पेंड करके उसके खिलाफ 788 दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होता और उनको करारे वाकई सजा दी जाती। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपने अपने एक निचले दर्जे के एहलकार की पुष्ट बनाई की, उसके बजाय आपने अपने एक मुअज्ज़ज़ मेंबर के खिलाफ होने वाले दहशतगर्दी की आपने कोई मजम्मत नहीं की। मैं जिस तरह मैंने कहा, मलिक साहब ने भी फरमाया, जुडिशल कमीशन होना चाहिए, चमन के हवाले से भी जुडिशल कमीशन कायम की जाए, अभी तक कायम नहीं हुआ है, वहाँ के आवाम का मुतालबा है। इसी तरह अजीज आबिद अली रेकी पर होने वाले हमले की जुडिशल कमीशन से तहकीकात हो, 788 दहशतगर्दी का FIR दर्ज हो, गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। और मैं फिर स्पीकर साहब से अपील करूँगा कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है हमारे इस मुअज्ज़ज़ हाउस के, सूबाई असम्बली के, वो फौरन से पेशतर असम्बली का इजलास बुलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ने बड़ी डिटेल में बातें की अजीज़ जाबिद पे जो हमला हुआ है, बल्कि मैं और अजीज़ जाबिद परसों तुर्बत से साथ ही निकले थे और उनको नाग बी सीमा जाना था, मुझे क्वेटा आना था, और जैसे ही मैं क्वेटा पहुँचा इस अफसोसनाक वाकये का सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। आप देख लेने, ये पहला दिन नहीं है ऐसे वाकये हो रहे हैं। बलूचिस्तान को अमन का गवारा रहने दें, चमन का वाकया देख लें, कितने लोग वहाँ पे शहीद हो गए, और आए रोज़ कोई ना कोई वाकया होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये सब सूबाई हुकूमत की नाइली है,
और इसकी ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत है। और मैं स्पीकर से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर असम्बली का इजलास बुलाया जाए ताकि इस इशू को हम देखें और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इसकी तहकीकात करे और बाकी जितने भी वाकयात हुए हैं उनकी भी तहकीकात की जाए। आखिर में आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया।